उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए पहले दौर के प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया है। इस क्रम में सीएम योगी मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। योगी आदित्यनाथ के समर्थक मैनपुरी में उनकी रैली में बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचे। इस दौरान काफी भीड़ बुलडोजर के पीछे पीछे देखी गई। बुलडोजर के आगे वाले हिस्से में उनके कई समर्थक सवार थे। सीएम योगी ने करहल विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, करहल को एक परिवार की भेंट चढ़ा देंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए हमने अनुजेश जी को उतारा है। इनको जीत दिलाइए, जितना चाहोगे विकास होगा। हमारे सभी सहयोगियों का समर्थन अनुजेश यादव के साथ है। आपको बताते हैं कि योगी ने नेताजी मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए और क्या कहा। समाजवादी पार्टी के वर्तमान नेतृत्व के कृत्यों से भले ही अपने लोगों को कष्ट हो रहा न हो रहा हो, लेकिन नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतार हो गया है। सारा का सारा पद केवल एक परिवार को चाहिए, बाकी और किसी को नहीं।